नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आफ्ताब है और आपका स्वागत है TechBeginner.in में। और इस वीडियो में हम सिक्योर करेंगे अपनी राइटेबल डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें यहाँ पर तीन जो हमारे फोल्डर्स हैं, अटैचमेंट्स, डाउनलोड एंड टेम्पलेट सी, इसे हमें नॉन पब्लिक डायरेक्टरी से कहीं और मूव करना है। ठीक है, अपने सी पैनल में लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे। फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट अवेलेबल है WHMCS की, तो हम इसे यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे। क्लिक करूँगा फोल्डर पे, यहाँ मैं टाइप करता हूँ WHMCS डेटा और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू फोल्डर। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अलग डायरेक्टरी यहाँ बना ली है और ये हमारा पब्लिक अंडरस्कोर HTML है। यहाँ पर हमारी ये पूरी वेबसाइट जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि WHMCS डेटा, इस फोल्डर में हमें ये जो फाइल्स हैं जो हमें यहाँ बताई जा रही हैं WHMCS की ओर से, इन फाइल्स को यहाँ पर मूव करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अटैचमेंट्स है, डाउनलोड्स है और टेम्पलेट सी है। तो चलिए आइए इसे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा हमारा अटैचमेंट का फोल्डर। तो इसे हमें मूव करना है WHMCS में। तो इसे हम इसे ड्रैग करके, इसे हम इस तरह से ड्रैग करके WHMCS में यहाँ पर मूव करा देंगे। तो उसके बाद हमारी बारी है डाउनलोड्स फोल्डर की। तो ये डाउनलोड्स फोल्डर हमारा ये रहा, इसे हम ड्रैग करेंगे WHMCS में छोड़ देंगे। इसके बाद है टेम्पलेट्स अंडरस्कोर सी, इसे भी हम इसे ऐसे ड्रैग करेंगे उसमें छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमने फोल्डर यहाँ पर मूव किए हैं वो WHMCS डेटा में आए हैं नहीं आए हैं। तो ये आ चुके हैं, इन पे परमिशन देख सकते हैं 777777777 जो है यहाँ परमिशन है। ये हो जाने के बाद हमें दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है पब्लिक _HTML और यहाँ पर हमारी एक फाइल हुई configuration.php। तो इसे हमें क्या करना होगा, एडिट करना होगा और यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर पास कराने होंगे। तो यहाँ ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो पैरामीटर्स पास कराने हैं वो यहाँ पर ये मेंशन है। और यहाँ पर देखिए अटैचमेंट का यहाँ पर हमें लोकेशन देना है कि वो हमारे सी पैनल में किस पाथ में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड्स की डायरेक्टरी किस पाथ में अवेलेबल है, इसके बाद टेम्पलेट सी की जो फोल्डर है वो किस पाथ में अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये होम दिखाएगा लेकिन आपका जो सी पैनल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एंट्री करनी है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर लिया ऑलरेडी और मैं यहाँ पर जाके ये पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर अभी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये सेव करा दूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप पूरा होता है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा जो configuration.php फाइल है इस पर हमारी परमिशन 400 होनी चाहिए। फाइल मैनेजर पे दोबारा क्लिक करता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद हम क्लिक करेंगे पब्लिक _HTML। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे configuration.php। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी परमिशन चेक करना है। तो ये 400 हमारी यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेप पूरा होता है। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।